फ्रेंड्स, मेरा नाम निकित है। ऑलमोस्ट एक साल पहले मैंने ट्रांसप्लांट कराया और आप देख सकते हैं इसमें रिजल्ट कैसा है। आज मैं चौथी पीआरपी कराने आया हूँ और मैं सेटिस्फेक्शन हूँ। पूरा ट्रांसप्लांट मेरा हो गया है। फ्रंटल एरिया मेरा पूरा जा चुका था, लेकिन आज सर के ट्रांसप्लांट की वजह से मेरा पूरा फ्रंटल एरिया कवर हो गया है और लुक्स वाइज बहुत अच्छा दिखने लगा हूँ। कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया है। फ्रेंड्स, हालांकि पहले मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा मेरे डेंसिटी आगे की गायब हो चुकी, जिससे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो हो गया था और सेल्फी वगैरह लेने में बहुत ख़राब लग रहा था। मेरे काफ़ी फ्रेंड्स सोसाइटी में काफ़ी लोग बोलते थे कि मतलब काफ़ी ज़्यादा हेड हेड फॉल हो रहा है और जब सर गंजापन दिखने लगा था। इसके बाद मैंने सर को मैंने यूट्यूब पर देखा, वीडियो देखा सर का, डॉक्टर अमित कुमार गुप्ता का। उनका वीडियो देख कर मुझे कॉन्फिडेंस आया। फिर सर के पास मैं आया, सर से मैंने बात किया, सर से कंसर्न किया। सर ने मुझे बताया ट्रांसप्लांट के बारे में और सर ने मेरा ट्रांसप्लांट किया और आप देख सकते हैं मेरा रिजल्ट कैसा है आपके सामने। तो मैं तो बहुत अच्छा, मैं सर के ऑलमोस्ट सर का 5,000 से ऊपर ट्रांसप्लांट कर रखा है, तो मैं सर के पास इसी वजह से आया था ट्रांसप्लांट करने के लिए। तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया सर। अभी ये कौन सा आपका पीआरपी है, इसके बारे में बताइए। मेरी अभी आज मैं चौथी पीआरपी कराने आया हूँ और अभी रिजल्ट से आप सेटिस्फाइड हैं? बहुत सेटिस्फाइड हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। पहले मेरा कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब लुक्स वाइज बहुत अच्छा दिखने लगा हूँ। पहले क्या था, मैं कम बाल है, कम बस मेरे एज ज़्यादा दिखती थी, लेकिन अब बहुत अच्छा दिखने लगा हूँ। सही समय पर सही डॉक्टर चुनने का सही फायदा ये होता है कि आप सब कुछ डॉक्टर से डॉक्टर के डर बना रहता है। एक तो आप इतना पैसा लगा रहे हो तो पता नहीं रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। तो सर के बारे में काफ़ी लोगों के बारे में सुना, मैंने देखा सर का वीडियो देखा, तो मुझे कॉन्फिडेंस आया। उसके बाद मैं सर से आकर मिला, सर से बात किया, सर ने बताया ट्रांसप्लांट के बारे में, उनसे बात करके मुझे काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया। देन उसके बाद मैंने सोचा कि मुझे ट्रांसप्लांट कराना है। एक साल पहले मैं 2020 में ट्रांसप्लांट कराया था और आज मेरा रिजल्ट ये है, आप देख सकते हैं फ्रंट एरिया का।